से तेल खत्म हो गया है मैंने देख ले थी और उस कमरा सीजन आ रहा कई लोगों ने सीजन खत्म हो गई अपना महल अस्पताल ने करीब का मीर कहा कि फिर फॉर्म अस्पताल हो जाए इन सौ या इतिहास का जो प्रॉब्लम 25 जुलाई 2009 टोटल अब तक घंटा लगा अस्पताल पहुंचाने इस दुनिया को खत्म हो गई उसने जितनी एक यात्रियां और सारिया कीर्तियां के धरतियां ये रह गया जिस वेले में शाम का वक्त आएगा उस वेले न कि हेत नमा अगे हो सकना न हेत नमा उसका मौत का पीछे हो सकना और अल्लाह रब इससे भी एक वक्त को कर दिया कितने ही बड़ा हादसा होवे मौला मोहम्मद सुशीन पूरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में दाएं नंबर मेहराम के बीच एक वाक्य तहरीर फरमाया और फरमाया कि कराची के अंदर एक 5 मंजिला इमारत तामीर हो रही है एक मजदूर बेचारा पैर फड़िया 5वीं मंजिल तो जमीन दे दिया गया और आया कि हर बंदे आके ये सारी हड्डी टूटती हो सर रब ताला की कुदरत से बिल्कुल कोई खराश तक नहीं है खड़ा होया तो पे जाए नस इसलिए तो चला के वक्त फिर मजदूर को फोन किया और मैं मजाक में आके आता हूँ बचा के तो तू को ऐसा बचाई करवा ठेकेदारे में सुबह तो चले होया शरद मार की थी मार मिठाई की दुकाने मिठाई के लिए पर बड़ा ऊपर कार आई लाल नजारी को थी मर गया मरना चाहिए तो क्यों मर रहे तो चले रहता बचना चाहिए तो शरद को के हाथ लिहाज का एहतियात हो सकी लेकिन उस वक्त उसकी मौत भी छीन ली इस वास्ते बचाया जो बचा गया जैसे मौत लिखी मिली तो सर सारे एहतियात इस वास्ते मैं दोस्तों मामा तुसी मैं सामने खड़े हो सेठ एक भाई अमीर है सामने का अल्लाह की मफरत फरमाए दुनिया में चला गया असा ई हित में हां दे गया ना गया इंसान कोई बीमार नहीं आया लेकिन बस इसलिए जिंदगी अगर बड़े पहाड़ चिटाना और खट के मजबूत जाग बना करो ऐ नवा तबूर ये तरीक को बन मौत तो मैं मौत वहां भी जाकर आग पहुंचेगी जब हमें खत्म हो जाए सबसे बड़ी गल ये है कि मौत की तैयारी करनी चाहिए और मौत की तैयारी तो क्या बुरा दे और मौत की तैयारी ये नहीं भाई अगर मैं ये कहा तो कि इस्लाम की रिलेशन है कि सारे काम का छोड़ के भाई मसीदी में आवे जो आज मौत की तैयारी करे बेटा अल्लाह के हबीब से सुन्नत की जिंदगी गवा दे अल्लाह के हबीब से सुन्नत के शागिर्द मोमिन सहाबा इकराम उन लोग ये जिंदगियां कि कौन लोग किसे ने मस्जिद का टाइम हो रहा सारे काम छोड़ के कि मस्जिद के बाहर हुई एक अल्लाह का हुक्म है कि जिससे ये मस्जिद के निर्माण का टाइम खत्म होया आए ना जो दुकान लेते बैठे लेकिन दुकान में कितने कि अल्लाह ने जिससे हुक्म जिस तरह वो तिजारत कर बे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका दसा इस अंदाज ही तिजारत की थी और अगर हर हर नवा वो पीर बनना गया वो नेकी तब्दील होना गया और एक और ये आखरत वाली जिंदगी इस दिमाग से के चले गए जरिए बनना गया ऐसे ही अल्लाह के वली को ले हिकमत वली है और आप को पूछे गया कि हजरत दो घंटे तो सा पहले 10 मिनट लगे कि तो सभी बात जिंदगी खत्म होनी पड़ी तो सीखे गए और आके अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौत वास्ते अपने आप पर इतना तैयार की गया कि वो दो घंटे में कोई चिंता बची कि मैं हम कोई काम करना अल्लाह रब्बुल इज्जत सा ऐसी ही और फितर जिंदगी नसीब फरमाए कि जिस वक्त भी ये मौत का फरिश्ता सिर को लावे असी हर लिहाज का किस्मत तैयार हुआ
धन्यवाद हर आदमी इस भाई दिवस मैं जिस बंदे को भी तस्करा पूछे उस बंदे इसकी जी करबनाक हालत गई इस वजह तो इस हाकिम दुआ को होया मैं उम्मीद करना इंशाअल्लाह अजीज इन दुआवां से इस भाई वास्ते कब्र दे विच तोशा और इंतहाई खूबसूरत जिंदगी गुजारी खलीक इंसान आया असी इस हाकिम दुआ को अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में हो भी है पूछा साहबा को भाई साहबा शहीद को होना साहबा कहना नहीं जो जंग के जख्मी हो गए तो कोई दुश्मन की गोली का शिकार हो फरमाया शहीद बड़े कम हो सकता फरमाया वो आदमी कि जेड़ा कई दीवार को थले गिर रहा पहाड़ को थले गिर रहा कई पानी च डूब रहा पेट की तकलीफ ना मरना ताऊन की बीमारी ना मरना अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सभी क़यामत वाले दिन शहादत की लिस्ट में होना इस भाई मीडिया को लेकर इंतहाई अचानक ना कहानी आफत और मुसीबत और बीमारी का सामना होया असी दुआ करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को इस गल की उम्मीद रखने अल्लाह पाक इस दिन के खसूसी अपनी रहमत का लुत्फ फरमाए सन अल्लाह रब्बुल इज्जत सब हजरात का इसकी निमाज जनाजे में शामिल होना अपनी बारगाह में मंजूर और कबूल फरमाए रात सफा दुरुस्त फरमा लो और उगराई कर लो जी जनाजे तो पहले के ऐलान है अजीजम एहसानुल्ला अल्लाह ताला उस सारे अहमद के अंदर जगह देवे मुख्तसर इलाला तो बाद अपने रब की हजूर पहुँच चुका जिंदगी के अंदर इंसान के मुख्तलिफ मामलात होने लेन देन होने किसी दिन अगर उन्होंने लेन देन है मरहूम का तो मरहूम के वालिद मोहतरम भाई अमीर अमानुल्ला मौजूद हैं मरहूम के चाचा अमीर अताउल्ला मौजूद हैं उन्होंने ना राबता कर सकते हो इस हवाले ना मरहूम से कोई बोझ न रहे नीयत सुन लो चार तकदीर नमाज जनाजा फर्ज के बाद सलाह वास्ते अल्लाह ताला दे दरूद वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुआएं वास्ते हाजिर इस मैयत दे मुंह की तरफ किबला शरीफ पीछे इमाम साहब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बाय
ਪਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਨੇ ਜੀ ਸਬਰ ਕਰੇ ਜੀ ਸਬਰ ਕਰੋ ਬਈ ਬਾਹਰ ਚਰਪਾਈ ਆਨੀ ਪਈ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਿਨਾ ਬਈ ਮਗਰੇ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮੋਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਬਦਲ ਲਾਈਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਬਸ
अदील अदील अब इरा छोड़ दो ना यार, टाइम को नहीं उतना, थोड़ी जल्दी करिए सूजी Rabbani Sahrael. Thank you.
ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਸੀ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ अलहमदुलिल्लाह जी तुसीं सारे देख रहे हो अल्लाह दा एहसान है एहसान अल्लाह दा जनाजे दे उत्ते बहुत कसीर तादाद च लोक आए और बहुत दूर नज़दीक तो आए और उन लोग भी आए जिन्हें कोई पहचानना नहीं थी अलहमदुलिल्लाह और वक्त बहुत चौके थोड़ा है मगरब दे वक्त होने वाला इस वास्ते दफनाने विच जल्दी कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह हर अख जी अशबार और हर एक जगह वो किसान की तारीफ कर रहा उसके अखलाक की तारीफ उसकी कुवत वजाय की तारीफ उसकी अक गोई की तारीफ हर आदमी तारीफ
तो नहीं हो तो पिछा बस ठीक है पूरी आ बचा कर दी हो भैया
कबीर साहब ने अच्छा जी 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 मैं दसना हाँ मैं छोड़ो भाई जान काम करो दो रा छोड़ो रा दे दो रा छोड़ दो पीछे रा छोड़ दो ना बटो ना बटो ना बटो ना जी जी
कब्र तैयार हो गई जी, हम लोग मिट्टी पा रहे हैं आखिरी सो में। बस ये भी एक शरीयत का तकदीर का एक फैसला होना कि अपने प्यो अपने पुत्रे दे और अपने भाई दे कबरों के उत्ते खुद अपने हाथों मिट्टी पैने उन्होंने दफना है। अल्लाह ताला एक असरे वास्ते शरीयत का तरीका राज किया और इस अल्लाह ताला सबर भी रखा, इस अल्लाह ताला सबर रखा और जी हाँ अल्लाह ताला 250 बंदा पैसा तक है ना बार मुल्क के इस बिरा भी पैसा कहने हर वे शरीयत का देने का है। Thank you.